फ्रेंड, जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का एग्जाम है वो है 1 दिसंबर 2024 को, RIMC 2। और इसका एडमिट कार्ड अभी आपके पास आ जाएगा, एडमिट कार्ड बाय पोस्ट आएगा। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जैसे बिहार गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया, तो उनके शिक्षा विभाग की, उनकी स्टेट गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसमें शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जाके आप चेक भी कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में बहुत चीजें नहीं है, लेकिन जो जो ध्यान देने वाली चीजें हैं वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले एडमिट कार्ड आपने प्रिजर्व करके रखना है, सेफ रखना है, इसके कलर फोटोकॉपी भी करा सकते हैं। ये लास्ट तक आपका यूज होगा, जब तक बच्चा एडमिट नहीं हो जाता है, तो इसको मैं कहूंगा आप लेमिनेट करा कर। यहां पर बच्चे का नाम है, रोल नंबर है, कैंडिडेट का नाम है, सब चीज दिया हुआ है। मेन इसका आधार नंबर है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो आधार कार्ड आपको, फोटो आईडी एक मांगेंगे, वो लेके जाना साथ में। सुबह 1 दिसंबर संडे है, 9:30 से 11 बजे तक मैथ्स का पेपर है, उसके बाद 12 से 1 तक जीके का है, फिर ब्रेक है, फिर शाम को 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक इंग्लिश का, जो कि 2 घंटे का पेपर है। और इसमें देखने वाली बात क्या है, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको ठीक से पढ़ लेना। कैंडिडेट शुड ब्रिंग दिस एडमिट कार्ड एंड आधार कार्ड एज आइडेंटिटी प्रूफ ड्यूरिंग द एग्जाम। तो आधार कार्ड यदि बच्चे का नहीं है तो नाम डालना मैंडेटरी है, आपने उसको लेके जाना है, तभी बच्चे को एंट्री किया जाएगा। यकीन कर रहे हैं कि ये जो फोटो है, ये बच्चे की लेटेस्ट फोटो है, बच्चे का जो अभी कुछ शक्ल में चेंज चूंज तो नहीं हो गया है, मुझे उम्मीद है कि लेटेस्ट फोटो ही अपने आधार कार्ड के लिए लगाई होगी, सॉरी एडमिट कार्ड के लिए। कैंडिडेट शुड बी प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन मेन्यू। ये इंपॉर्टेंट है कि 9:30 से एग्जाम शुरू है, तो 9 o'clock यू आर सपोज टू बी प्रेजेंट देयर। काफी सारे बच्चे होते हैं, 150-200 बच्चे आएंगे, वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, तो 8:30 से 8:45 के बीच में आप वहां पहुंच जाएंगे। वहां जाके सांस ले लीजिए, पानी पी लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, कुछ भी कर सकते। अब जो लास्ट में दिया है ये भी पढ़ना जरूरी है, आंसर स्क्रिप्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय द एग्जाम कंडक्टिंग ऑफिसर। जो आंसर शीट है वो आपको कंडक्टिंग ऑफिसर देंगे, लेकिन उसके अलावा कैंडिडेट ने अपना राइटिंग मटेरियल लेके आना है, बॉल पेन, पेंसिल, इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स एंड फ्लिप बुक। तो ज्योमेट्री बॉक्स भी इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स से जब आप पेपर देते हैं तो आपको ज्योमेट्री बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है। कैंडिडेट्स आर वॉर्न्ड नॉट टू यूज एनी अनफेयर मीन्स, और मोबाइल फोन और आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस हैं वो अलाउड नहीं होते हैं। एनालॉग वॉच भी आजकल बड़े प्रकार के आते हैं, वो घड़ी नहीं अलाउड। अब जिस जिसका एडमिट कार्ड नहीं आया है, दे शुड राइट टू दैट डिपार्टमेंट, जिस ऑफिस में आपने एप्लीकेशन भेजा था, अपना आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो इंस्ट्रक्शन आई थी उसमें देखें और उनसे संपर्क करें कि हमारा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया है अभी तक। अभी तक मतलब 10 नवंबर को आप कट ऑफ लें, 10 नवंबर के बाद पैनिक बटन चला जाना चाहिए, क्योंकि 20 दिन का समय बचता है। कुछ लोगों का जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, वो रिजेक्टेड फॉर्म कारणों के साथ आपके पास आ गया है, वो फिर वापस एक्सेप्ट नहीं होगा। काफी स्ट्रिक्ट होते हैं गवर्नमेंट के रूल्स, तो इनके बारे में हमने सोचा हम आपको जानकारी जाए।